नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर STSC एक्ट के खिलाफ तथा कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने की साजिशों का हवाला देते हुए केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफिस चौराहा भोपाल में धरना प्रदर्शन में सभा को संबोधित करते हुए राजमणि पटेल सांसद अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। और इसके साथ ही साथ इस धरना प्रदर्शन के दौरान राजीव सिंह प्रशासन महामंत्री, प्रकाश जैन पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, महेंद्र बौद्ध पूर्व गृह मंत्री, सुरेंद्र चौधरी पूर्व कृषि मंत्री सहित हजारों संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।